नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आप दिल्ली में बैठे हैं लेकिन बिहार को आप करीब से देख रहे हैं। जब से कास्ट सेंसस, जिसे कहा जा रहा है जाति गणना, इसकी रिपोर्ट सामने आई है और 27% पिछड़े ओबीसी और बाकी अति पिछड़े दिखाई पड़े हैं, जिसके कारण पिछड़े अति पिछड़े मिलाकर कुल संख्या 63% हो गई है। ऐसे में देखिए, बिहार में राजनीति, नए नेतृत्व का पैदा होना यह भी प्रारंभ हो गया है। आज सुबह सुबह आपने भी अखबारों में देखा होगा, दैनिक भास्कर में मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फुलफेड एड दिया। हम अपने स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं और उन्होंने इस जाति गणना के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दे दिया। देखिए, मुकेश सहनी ईबीसी से आते हैं और जो रिपोर्ट आई है उसमें मल्ला, निषाद और मुकेश सहनी ने तो कहा कि हमारी आबादी कुल मिलाकर जितनी उनकी उपजातियां हैं 9.64% है। तो हम लोग इस बात की चर्चा कर ही रहे थे कि ईबीसी जो है उनका नेतृत्व बिहार में उभरा नहीं, लेकिन अब यह नेतृत्व उभरेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि हम बिहार के भविष्य की बात करें, भविष्य की राजनीति की बात करें, तो देखिए लालू यादव तो सजायाफ्ता ही हैं, नीतीश कुमार भी अंतिम कार्यकाल में माने जाते हैं। ऐसे में भविष्य के रूप में दिखते हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और इमर्जिंग में मुकेश सहनी। आपको क्या लगता है, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा भी हो सकता है? और जो मुकेश सहनी लग रहा था कि नरेंद्र मोदी एनडीए की ओर जाएंगे, अब वे सीधे तौर पर नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं, मीडिया बाइट्स दे रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये जो कास्ट सेंसस जिसको कहा जा रहा है, जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके बाद इसके जो आंकड़े आए हैं उसके बाद ये तो तय हो गया है कि सामाजिक संरचना भी बदलेगी और जमीनी स्तर पर जो जातियों का ध्रुवीकरण होता है, जिस अंदाज में चुनाव के समय राजनीतिक नजरिए से सामाजिक स्थितियां तो अपनी जगह हैं, उसमें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। समाज तो जिस तरह है, समाज की तो अपनी गति होती है, वो तो समाज उसी तरह से रहेगा ना। ये जातियां संख्या आ जाने से समाज में बहुत बदलाव अभी तुरंत नहीं आएगा, लेकिन राजनीति बहुत बदलेगी। जो राजनीतिक जिस समय चुनाव के समय जो ध्रुवीकरण होता है, जिस तरह की गोलबंदी होती है जातियों की, उसमें अब बड़ा बदलाव आएगा। और ये जो नेता हैं, ये नेता इस बात को भांपने ही को समझ में आ गया है कि अब जो है जातियों की गोलबंदी नए तरह से होगी। भले मल्लाह, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुकेश सहनी की, उसमें भले मल्लाह को अलग अलग उपजातियों में बांट करके उनकी गिनती हुई है। और आपको ध्यान होगा, सर्वदलीय बैठक में भाजपा की तरफ से जो हरी सहनी शामिल होने गए थे, उन्होंने इसका सवाल उठाया था। वहां उन्होंने कहा था कि कई जातियां हैं जिसकी 6-6 उपजातियां होती हैं, लेकिन उन उपजातियों की अलग अलग गिनती नहीं हुई है। कई जातियां हैं, आप भी जानते हैं, यादव में भी कई उपजातियां हैं जिनकी गिनती होनी चाहिए थी। कुर्मी अपने नीतीश कुमार की जाति में कितनी उपजातियां हैं, और जिसके नेता ग्राउंड लेवल पर अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं। आपको पता है कि अवधिया कुर्मी अलग करते हैं, समसमार अलग करते हैं, तो कुछ ऐसा अलग करते हैं, गमाइला अलग करते हैं, इनकी तो गिनती अलग अलग नहीं हुई है। तो ये तो सवाल उठाया है मुकेश सहनी ने, वो उन्होंने उसको एक जगह ला दिया। तमाम उपजातियां जिसको कहा जा रहा था कि ये सब हैं मल्लाह की ही उपजातियां, उनको एक जगह ला करके कहा कि हमारी आबादी 10% है। तो ये एक नए तरह का एक ध्रुवीकरण है जातियों का, चुनावी नजरिए से, पॉलिटिकल ये शुद्ध रूप से राजनीतिक नजरिए से आप देखिए इस बात को, तो ये ध्रुवीकरण एक अलग हो रहा है। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि आज लोग ये बात कहने लगे हैं कि जो दलित है वो अगर 20% है तो वो क्यों नहीं एक साथ आता है। दलित आइडेंटिटी तो उसकी दलित की हुई, जिस तरह से ओबीसी की जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की एक आइडेंटिटी हुई, अति पिछड़ा है, एमबीसी है, ओबीसी है, उस तरह से दलित है। और उसमें दो जातियां अगर आप जोड़ दें, जो रविदास और दुसाद, इन दो को जोड़ें तो वो 10% के करीब वोट बनता है। वो तो एक तरफ 10% का वोट आप अकेले मल्लाह का देख रहे हैं, एक तरफ 10% का वोट दो दलित जातियों का आप देख रहे हैं। अभी भले नेता अलग अलग हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स अगर होती है और सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है, तो ये जातियां स्वाभाविक रूप से साथ आएंगी ना।
किसी दूसरी दबंग पिछड़ी जाति या किसी अगड़ी जाति के साथ जाने के बजाय दोनों दलित जातियां आपस में नजदीक आना उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ये समाज का और राजनीति का नियम भी है, सिद्धांत भी है कि जो 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 नस्ल की बात जब आती है, जब सभ्यताओं की और संस्कृतियों की नस्ल की बात आती है, तो जो नस्लें जो ज्यादा करीब होती हैं, जिनमें ज्यादा समानता होती है, वो ज्यादा करीब आती हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से दलितों में जो दलित के अलग अलग समूह हैं उनमें एकता बनती है, तो एक नेता उसका उभर सकता है। और जो आपने नाम लिया चिराग पासवान, उसके नेता हो सकते हैं। अभी तो मान लिया लोग कह रहे हैं कि 5% के नेता हैं, लेकिन वो 10% के भी हो सकते हैं और 20% के भी नेता हो सकते हैं। फिर जो जाति अगर जिस दूसरे किस्म का अगर कम्युनल पोलराइजेशन होता है और मुसलमान को लगता है कि 14% वाले के साथ जाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम 20% वाले के साथ जाएं, तो वो क्यों नहीं जा सकता है उसके साथ? जब ये बात होगी, अगर मान लीजिए जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि मुसलमान को लगे कि बीजेपी को रोकना है, तो किसके साथ जा सकते हैं? तो ये हमने जो कहा कि पॉलिटिकल नए तरह का पोलराइजेशन होगा अब स्टेट में, अति पिछड़ी जातियों में भी अब आपस में बात होगी तमाम जातियों में कि हम क्यों नहीं अपना नेता रखें, एक नेता हमारा हो या दो नेता हो। और दलितों में भी ये होगा, एसर्शन होगा पावर के लिए कि हमारी तरफ से हमारा एक नेता हो, दो नेता हो। पिछड़ी जातियों के नेता तो ऑलरेडी घोषित हैं, उसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है उसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इधर हम यह भी सुन रहे हैं कांग्रेस की प्रयोगशाला में, बिहार की प्रयोगशाला में यह चर्चा शुरू हो गई है, क्यों नहीं कांग्रेस को सबन मुस्लिम दलित की राजनीति पर फोकस करना चाहिए। चलिए कांग्रेस की प्रयोगशाला की बात नहीं करते, अभी हम पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की ही बात करते हैं। यह तो सत्य है ना कि आज लालू यादव और नीतीश कुमार भले ही एक साथ हैं, लेकिन गैर यादव पिछड़े और अति पिछड़े मतों की गुलबंदी का काम नीतीश कुमार ने ही किया। और आज जब 27% पिछड़ी जात और 36% अति पिछड़ी जात, देखिए मुकेश सहनी एक और काम करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी को आना होता है, जब जेपी नड्डा को आना होता है, जब अमित शाह को आना होता है, तो वे फुल पेज ऐड देते हैं और अपनी उपस्थिति, हमने तो वो दिन भी देखा है कि जब नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आ रहे थे तो उसी दिन उन्होंने मुजफ्फरपुर में रैली रख ली थी, समानांतर रैली रख ली थी और आयोजन भी किया था। तो हम बिहार में अति पिछड़ी राजनीति और अति पिछड़े के नेतृत्व की बात करते हैं। आपने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार ने किसी को उभरने नहीं दिया और इस कोशिश में सुशील कुमार मोदी ने भी साथ दिया। तो 36% का नेता आज तो कोई दिखता नहीं है। मुकेश सहनी उभरने की कोशिश भले कर रहे हैं, पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी यात्रा कर रहे हैं। हमने यह भी देखा, यदि हम बीजेपी की बात कर ले, अजय निषाद, कभी कैप्टन जनरल निषाद, उनके बेटे अजय निषाद, आज हरी सहनी को लाया गया है। हरी सहनी को स्थापित करने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। कभी डॉक्टर प्रेम कुमार हुआ करते थे, लेकिन उन्हें भी पिछले दरवाजे से बाहर कर दिया गया, वे अब सत्ता की रेस से बाहर ही हैं। यदि हम जेडीयू के भीतर भी देखें तो अति पिछड़ा का कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता है, आरजेडी के भीतर भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा को गोलबंद कर दिया है, तो ऐसे में भविष्य की राजनीति आप क्या देख रहे हैं? आपने कहा चिराग पासवान दलित, संपूर्ण दलित के नेता हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार जो रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव क्या जो गैर यादव पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं उन्हें अपने साथ कर पाएंगे, या फिर वहां से कोई नेतृत्व जो आज दिखता नहीं है मुकेश सहनी को छोड़कर? मुकेश सहनी ने राजनीति जो शुरू की है कभी इधर कभी उधर, और बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो अभी जो नेता है, जितने भी नेता हैं जो आपको दिख रहे हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, ये तीनों तो पिछड़ी जाति में आते हैं, उस 26% में आते हैं जी। ये तीनों तो उस 26% में है, तो उनकी बात हम लोग अभी तो वो तो नेता इमर्ज हो गए, जो तीन जो सबसे बड़ी जातियां हैं पिछड़ी की, उसके नेता तो इमर्ज हो गए। मान लीजिए कि उधर नेता हो गए तेजस्वी यादव, अब जो लालू यादव की जगह लेंगे, अभी नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं और कोयरी के नेता भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से बना रखा है सम्राट चौधरी को, या स्वतंत्र रूप से जो पॉलिटिक्स करते हैं वो उपेंद्र कुशवाहा है, तो वो तो हो गया। अति पिछड़ों की जो बात है, अब उसमें जो चुनौती है या जो मुकाबला होगा, वो उसमें बीजेपी एक बड़ी फोर्स बन सकती है। अभी तक बीजेपी में लीडरशिप नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से उसके अंदर भी ईबीसी का, जो एमबीसी का लीडरशिप और फॉरवर्ड का लीडरशिप नहीं उभरने दिया है, नहीं इमर्ज होने दिया है उन्होंने। आप याद करिए कि एक एक बड़े नेता उस समय हुआ करते थे रामेश्वर चौरसिया,
वो एक नेता हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी में, ईबीसी एमबीसी का बड़ा चेहरा हो सकते थे। वो 7 साल तक उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे थे, अमित शाह के साथ सह प्रभारी रहे थे। जब 14 का लोकसभा चुनाव जीता बीजेपी ने और 17 का विधानसभा जीता, वो 4 बार के एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन अचानक उनको हाशिए में डाल दिया गया। ये जो पॉलिटिक्स हुई, उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी और उसको गाइड कर रहे थे नीतीश कुमार कि कोई लीडरशिप ना इमर्ज हो वहां से। अगर ईबीसी का नेता आता भी है तो वो ऐसा हो जिसकी कोई पहचान ना हो, जमीन पर कोई आधार ना हो जिसका। तो ये होशियारी की है, लेकिन बीजेपी के पीछे की जो फोर्स है आरएसएस की, वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अति पिछड़ी जातियों में पूरे देश में काम कर रहा है। आरएसएस का बहुत गहरा काम होता है, और जिस तरह से उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में नेता खड़े किए, सुहेल देव समाज जो भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है जिसके नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो आरएसएस ने खड़ा किया वहां। पहले उन लोगों ने सुहेल देव की आइडेंटिटी बनाई और फिर उसको एक कम्युनल एंगल उसमें यह दिया कि उन्होंने मोहम्मद गजनवी की सेना को रोका था। हिंदू मुस्लिम का एंगल भी उसमें देना होता है ताकि अति पिछड़े की जो आइडेंटिटी उभरे वो बीजेपी के साथ जुड़े। ये बड़ी होशियारी के साथ करना होता है, नहीं तो फिर ये होता नहीं है। उनके भगवान बनाए जाते हैं, फिर उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनके नाम से स्टेशन शहर आदि बसाए जाते हैं, और फिर जब उनकी एक सामाजिक पहचान बन जाती है, सोशल आइडेंटिटी, तो उसको एक पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ये आरएसएस का बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम है, और इस पर एक बद्री नारायण ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया है कि किन किन जातियों को उनकी आइडेंटिटी उभार करके। अब जैसे देखिए, चूहड़मल की प्रतिमा लग रही है जो दुसाध जाति के देवताओं में माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है जगह जगह, ये काम आरएसएस करवा रहा है। माता सबरी की मूर्तियां लग रही हैं चारों तरफ, वो आइडेंटिटी उनकी निकाली जा रही है ताकि उसकी कास्ट को एक पहचान दिया जा सके। तो ये काम बीजेपी करेगी, अभी टाइम लगेगा, अभी तुरंत उसके पास लीडरशिप नहीं है, लेकिन ये काम बीजेपी करेगी। तो जो अपने यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो मुकेश साहनी की एक लीडरशिप इमर्ज हो रही है, या जो दूसरा जो बनियों में या कानू समाज में कलवार जो लोग हैं उनमें जो छोटी छोटी जातियां हैं जो अति पिछड़े में आ रहे हैं, अगर उनका कोई लीडरशिप निकलता है तो उसको चैलेंज बीजेपी से होगा, बाकी दूसरे किसी से नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है। नीतीश कुमार के नीचे जो सेकंड लाइन है, आप देखिए उस सेकंड लाइन में तो कोई पिछड़ा नेता भी नहीं है। आप उनका ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी है, अशोक चौधरी है, कोई तो लीडर नहीं है। उन्होंने दूसरा जो अपने यहाँ जो खड़ा किया, जो श्रवण कुमार हो या संजय गांधी हो, ये सब उन्हीं की जाति के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, श्रवण कुमार भी, तो वहां तो कोई लीडर नहीं है अति पिछड़ा का। कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र उनके यहाँ थे, राज्यसभा में थे, उनको वो नेता बना सकते थे, उनके पिता की एक लीगेसी रही है, लेकिन उन्होंने वहां नहीं बनाया, तो उनके यहां से लीडरशिप नहीं उभरेगी। अब 2-5 साल के बाद जब वैक्यूम होगा, नीतीश कुमार की जगह खाली होगी, तो जेडीयू की तरफ से लीडरशिप नहीं आएगी, अति पिछड़ा का नेता जेडीयू की तरफ से नहीं आएगा, स्वतंत्र रूप से आएगा या बीजेपी की तरफ से आएगा। तो अभी जो मुकेश साहनी कर रहे हैं, अभी वो दोनों तरफ की बात कर रहे होते हैं। उनका 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 वीडियो आपने भी देखा होगा, जो वो एक नेशनल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम भी छोड़ देंगे, वो ये कह रहे थे कि हम भी छोड़ देंगे। अरे तो आप छोड़ क्यों नहीं दे रहे? अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप स्वतंत्र रूप से अगर करना है तो स्वतंत्र रूप से करिए, या उसके साथ रहना है तो उसके साथ रहेगी। ये जो बात है कि हम छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि अभी आप उधर जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, अगर कुछ मिलता है तो, या जहां से कुछ बेहतर डील आपकी होगी वहां जाने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो ये जब इमरजेंस होता है किसी भी लीडरशिप का, किसी भी अति पिछड़ी या दलित जिसका भी आप ऐसा देखें, उभार देखें, आप मायावती का भी या बहुजन समाज पार्टी का भी, तो उस समय उनको मदद लेनी होती है किसी न किसी की। तो वो मदद अगर बीजेपी की लेते हैं तो उनके सामने खतरा होगा, और खतरा इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी को अल्टीमेटली इस 36% वोट को अपने कब्जे में लेना है। जेडीयू के पास कोई दूसरा नेता नहीं है अति पिछड़ा का, और वो वहां उसके साथ अगर इनका टाई अप होता है तो इनको उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहले से अति पिछड़ा समाज जो है वो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये उधर जाते, ये खैर ये अपना देख रहे होंगे कि हमारा फायदा किधर है, लेकिन चुनौती इनको बीजेपी की तरफ से होगी, इन्हीं को नहीं, जो भी इमर्ज करेगा अति पिछड़ी जाति का, जो भी लीडरशिप इमर्ज करेगा उसको चुनौती बीजेपी से मिलेगी। बीजेपी इस दिशा में काम करेगी। अब बीजेपी के का जो कि मंडल राजनीति का तीसरा चरण यही होने वाला है। पहला चरण तो हुआ कि यादव पॉलिटिक्स की उन लोगों ने पिछड़ा पॉलिटिक्स में, दूसरा चरण यह हुआ कि गैर यादव मझोली मजबूत जातियां जो है पिछड़ों में उसकी पॉलिटिक्स की उन लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा को भी पहले ले आए थे, अभी सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं उनकी हुई है। अब तीसरा पड़ाव जो है वो ये है कि अति पिछड़े जाति पर जाना है, उसका लीडरशिप खोजना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको इमर्ज करना है।
तो वो एक तरफ बीजेपी का लीडरशिप होगा और दूसरी तरफ ये जो प्रादेशिक पार्टियां छोटी छोटी बनी हुई हैं इनके नेता होंगे, जिसमें अभी अभी आप न्यूमेरो उनो कह सकते हैं मुकेश सहनी को, कि उन्होंने सबसे पहले ये पोटेंशियल पहचाना कि अति पिछड़ा का टाइम अब आ रहा है। और वो संयोग ऐसा रहा कि उसी समय ये जाति जनगणना के आंकड़े आ गए, ये जैसे बोलते हैं ना बिल्ली के भागे से छींका टूटना, वो छींका टूट गया उनके लिए कि ये जाति जनगणना के आंकड़े आ गए। और तमाम उपजातियों को अलग अलग रखने के बावजूद ये आंकड़ा आ गया कि उनका 10% वोट है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अजीत जी कि मुकेश सहनी के लिए जेडीयू ज्यादा फायदेमंद है, बीजेपी उन्हें नया नेता नहीं बनने देगी। लेकिन हम 2024-2025 के संदर्भ में बात करें, आप कह रहे हैं कि ईबीसी का एक नेता उभरने में अभी 4-5 साल का वक्त लगेगा। तो 2024 और 2025 में देखिए, अभी तो हम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में ही मानते हैं, लालू यादव के साथ ही मानते हैं, तो नीतीश कुमार ने गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो राजनीति की है, क्या ये 2024 में गोलबंद हो जाएंगे, संपूर्ण पिछड़ा एक हो जाएगा और वह बीजेपी के खिलाफ जाएगा, या फिर अति पिछड़े वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर लेगी, उसे सफलता मिलेगी? बीजेपी अभी के समय में अति पिछड़ी जातियों की सबसे पसंदीदा पार्टी है। ये बिहार के संदर्भ में हो सकता है कि पूरी तरह से नहीं हो, सही पूरी तरह से नहीं हो या सबसे पसंदीदा नहीं हो, लेकिन देश के स्तर पर अति पिछड़ी जातियों की सबसे पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और ये हम आपको उस तीन चुनावों का एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, तीन चुनाव का अपने दर्शकों के सामने, उनको समझ में आएगा। 2009 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय तक एक चौथाई पिछड़ा वोट भी नहीं मिलता था बीजेपी को, तब बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं थी, उसको एक चौथाई वोट नहीं मिलता था। 2009 के चुनाव में 22% पिछड़ा वोट मिला था बीजेपी को, सिर्फ 22%, और कांग्रेस को 24% पिछड़ा वोट मिला था, और जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनके खाते में 54% पिछड़ा वोट गया था 2009 में। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए और एक अपने विकास का मॉडल और गुजरात का मॉडल ये सब लेकर के जब वो चुनाव में उतरे तो राजनीति थोड़ी बदल गई, शिफ्ट हो गई, लेकिन उसमें भी प्रादेशिक पार्टियों का पिछड़ा वोट टूट करके बीजेपी में नहीं गया, कांग्रेस का पिछड़ा वोट टूट गया। कांग्रेस पार्टी जिसको 2009 में 24% वोट आया था, 14 में उसको 15% वोट आया, और बीजेपी जिसको 9 में 22% वोट आया था उसका वोट बढ़ के 31% पहुंच गया। जो 9% वोट कांग्रेस के तरफ से टूटा पिछड़े का, वो बीजेपी में चला गया। तो 14 का फिगर क्या हो गया, बीजेपी 31% पिछड़ा वोट, कांग्रेस 15% और प्रादेशिक पार्टियां 51%। उनका सिर्फ 3% वोट कम हुआ, वो आए वोट घट करके वहां से उनका 54 से 51 हुआ। लेकिन 19 के चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी की पिछड़ी पहचान बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हो गई थी कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने इसकी पॉलिटिक्स भी की थी, और ये पहचान स्थापित होने का नतीजा ये हुआ ज्ञानेश्वर जी कि लगभग पिछड़ी जाति का लगभग हर दूसरा वोट बीजेपी को गया है देश के स्तर पर। 2019 के चुनाव में 44% पिछड़ा वोट बीजेपी को मिला है, 44%। और जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, जिसमें अपनी तमाम, ये बिहार की भी प्रादेशिक पार्टियां, उत्तर प्रदेश की, देश की, इन तमाम प्रादेशिक पार्टियों का वोट घट करके और 34% पर आ गया, और कांग्रेस का वोट 15% पर रहा। इतना बड़ा फर्क आया, 10% का वोट कम हुआ, उन लोगों का 10% से ज्यादा का वोट कम हुआ जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, और कांग्रेस और बीजेपी पहुंच गई 44% वोट पर। अगर उस अति पिछड़ा 44% वोट जो बीजेपी को मिला, अगर उसको अलग अलग करें आंकड़ा, तो अति पिछड़ा का वोट बीजेपी को 48% मिला है, और जो मजबूत पिछड़ी जातियां हैं उनका 40%। यानी पिछड़ी जातियों की भी पसंद है बीजेपी, लेकिन अति पिछड़ी जातियों की तो बहुत बड़ी पसंद है। 48% का मतलब हुआ कि 2 वोट में से 1 वोट बीजेपी को जाता है अति पिछड़ा का, जब लोकसभा चुनाव की बात आती है। तब तो इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल तब तो इसका मतलब ये हुआ 2024 के संदर्भ में बात करें अजीत जी, कि ये जो कास्ट सर्वे कराया, इतना संघर्ष किया नीतीश कुमार और लालू यादव ने, तो अति पिछड़ी जातियों की पसंद बीजेपी ही है, और बिहार में जो पॉलिटिक्स चलती भी रही, गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा एक और, तो कोई विशेष फायदा तो इंडिया अलायंस या बिहार में महागठबंधन को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि अति पिछड़ी जातियां 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के साथ ही खड़ी दिखाई पड़ेगी। तो फिर तो कोई मैजिक और कोई परिवर्तन बिहार में हो सकता नहीं दिखेगा। दिखे, हम लोग पहले भी हमने कहा है इस बातचीत में कि बीजेपी के लिए सबसे राहत की बात क्या है कि इस कास्ट सेंसस के बाद पहला चुनाव लोकसभा का चुनाव है,
अगर पहला चुनाव विधानसभा का होता तो सुपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का, फिर वहां उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन पहला चुनाव लोकसभा का है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने का है, और हम आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं अभी, बाकी तो कोई किसी के मन में घुसा हुआ है नहीं कि वो किसकी तरफ जाएगा ये पक्के तौर पर कहे। लेकिन आप ट्रेंड देखिए, हम लोग तो ट्रेंड देख रहे हैं ना कि 14 में 34% पिछड़ा वोट मिला बीजेपी को और 19 में 44% पिछड़ा वोट मिला। उस 44% को अलग अलग करें तो 48% अति पिछड़ा का वोट है जो बीजेपी को मिला, और इसका मतलब कि अति पिछड़ा वोट वो उसको समझ आ गया है कि उसका नेता देश का प्रधानमंत्री है। तो उसको उससे ये बात अलग, मतलब उसके दिमाग से ये बात निकालना आसान नहीं होगा। और आप देखिए, जो एक एक समय था जब मंडल की राजनीति शुरू हुई थी और उसके बरक्स आडवाणी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर की और कमंडल की राजनीति शुरू की थी और रथ यात्रा लेकर के निकले थे जब वो सोमनाथ से और अयोध्या के लिए, तो ये कहा गया था कि मंडल बनाम कमंडल की राजनीति थी, मंडल बनाम कमंडल था, मतलब कंट्रास्ट था, मंडल का कंट्रास्ट था कमंडल। अब वो कंट्रास्ट नहीं रह गया है, अब ये दोनों राजनीति समानांतर चल रही है। एक जो मंडल की जातियां उस समय बिल्कुल ही बीजेपी के खिलाफ थी, बीजेपी से अलग वोट कर रही थी, अब उनका उनकी होस्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हुई है। पिछले 30 साल में उनकी नाराजगी, उनकी दूरी खत्म हुई है, और वो किसी न किसी वजह से, चाहे वो जमीन के स्तर पर आरएसएस का काम हो, बीजेपी का लीडरशिप हो, वो किसी न किसी वजह से वो उसकी नाराजगी दूर हुई है। अब मंडल और कमंडल विरोधी नहीं है, मंडल और कमंडल साथ चल रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, ये झारखंड में दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश में दिख रहा है, ये देश के अनेक राज्यों में दिखा है। तभी लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा का 48% वोट बीजेपी को मिला, और ये सीएसडीएस लोक नीति ने चुनाव के बाद जो सर्वे किया है, ये उसकी रिपोर्ट है, जो सबसे विश्वसनीय एजेंसी है देश की, वो बता रही है कि 48% अति पिछड़ा बीजेपी के साथ गया और ओवरऑल 44% पिछड़ा बीजेपी के साथ गया। तो ये लीडरशिप के कारण भी हो सकता है, या बड़े राज्यों में जो प्रयोग हुए, जो हम लोगों ने पहले एक बार चर्चा की थी कि बड़े राज्यों में बीजेपी ने इसका बड़ा प्रयोग किया, जो आज आपने देखा भी होगा कि गोविंदाचार्य का जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसको बड़ी उस समय लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई हिंदुत्व का इतना बड़ा जो मेटा नैरेटिव जिसको बोलते हैं, कि हम एक नैरेटिव होता है, एक मेटा नैरेटिव होता है, कि जब हम इतना बड़ा मेटा नैरेटिव बना रहे हैं हिंदुत्व का, तो उसको फिर टुकड़ों में बांटने की क्या जरूरत है। लेकिन उनको समझ थी इस बात की, और आरएसएस को भी समझ थी, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किए, कल्याण सिंह से लेकर के उसके बाद आप देखिए तमाम नेता उसके, उन लोगों ने किस तरह से आगे किए नेता अपने। अब आकर के हिंदुत्व का चूंकि एक बड़ा चेहरा उनको मिल गया योगी आदित्यनाथ का और मठ का, तो वो अलग चीज हो गई, लेकिन उन्होंने एक लीडरशिप बना दिया है। उमा भारती को भी लड़ाया था उधर मध्य प्रदेश से ले आकर के वहां लोध वोट अपना कंसोलिडेट करने के लिए, कल्याण सिंह के बेटे पोते अब एमपी एमएलए हो गए उस पार्टी में बीजेपी में। तो ये एक लीडरशिप वहां अति पिछड़ों की इमर्ज हो गई है, मध्य प्रदेश में हो गई है, शिवराज सिंह चौहान देखिए, बाबूलाल गौर देखिए, उसके पहले उमा भारती देखिए, बिहार में ये प्रयोग नहीं हुआ है। और यही नीतीश कुमार की होशियारी आती है कि उन्होंने नहीं होने दिया है। तो बिहार को लेकर के डाउट इसीलिए है, हम लोग खुल करके अभी इस बात जो 19 के आंकड़ों के आधार पर ये दावा नहीं कर सकते हैं कि अति पिछड़ा पूरी तरह से या 50% जाएगा बीजेपी को, वो यही कारण है कि लीडरशिप नहीं इमर्ज होने दिया है बिहार में नीतीश कुमार ने। वो अपने नेता बने रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में भी कोई इमर्ज नहीं होने दिया, कोई अन्य पार्टी भी इमर्ज नहीं होने दी, और बीजेपी में भी कोई लीडर नहीं इमर्ज होने दिया। ये बड़ी मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है कि अपने को तो मजबूत करना ही है, जो संभावित दुश्मन है उसको मजबूत नहीं होने देना है, उसको हमेशा कमजोर रखना है जो प्रतिद्वंदी हो सकता है। तो ये पॉलिटिक्स उन्होंने बहुत बहुत कायदे से, जिसको मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कहते हैं, वो नीतीश कुमार ने की, और उन्होंने पिछले 25 साल से अपने, जब से वो बीजेपी के साथ हैं, 96 से साथ हैं बीजेपी के साथ, उन्होंने नहीं मर्ज होने दी। तो उसका फायदा हो सकता है कि उनको कुछ मिले, और जो पूरे देश में ये लहर होगी अति पिछड़ा पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी के लिए, वैसी स्थिति हो सकता है कि बिहार में ना हो पूरी तरह से, इसके बावजूद वहां बीजेपी को वोट मिलेगा, अच्छा खासा वोट मिलेगा, पिछड़ा का भी अति पिछड़ा का भी, क्योंकि वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स अल्टीमेटली कहां जाती है, पावर में, पावर सत्ता में हिस्सेदारी तक ही तो जाती है। तो जब सत्ता में हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन के बैठा है तो उसके बाद क्या हिस्सेदारी चाहिए, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखना है तो हम रखेंगे मुख्यमंत्री, उनका तो चुनाव 25 में होगा। तो ये स्थिति हो सकती है, मतलब अभी ये तमाम जो कवायद है, इधर से भी इनको बड़ी मेहनत करनी होगी, स्थिति अपना जो देख रहे हैं कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है, वो आपको करना होता है और आखिरी दिन तक करना होगा। देखिए अर्जुन जी, बिहार में एक डिमांड, जब से ये कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई, बिहार में एक डिमांड शुरू हो गई है कि एक मुस्लिम और एक ईबीसी को डिप्टी सीएम बनाइए। यह मांग जो शुरू हुई है, इसकी धमक कहां तक जाएगी
और इसका प्रभाव 2024 में क्या दिखेगा? आपको लगता है कुछ इसका असर होगा? जो ये डिमांड शुरू हुई है और बहुत गंभीरता के साथ शुरू हुई है, लोग कह रहे हैं कि भाई आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों छोड़ रहे हैं, आप ईबीसी से किसी को क्यों नहीं बना रहे हैं? तो फिर हम वही बात पर आते हैं कि ये ईबीसी और मुस्लिम, क्या यह डिमांड पूरी की जा अगर सकती नहीं है चुनाव करेंगे के पहले? तो मुस्लिम वोट का तो हो सकता है कि नुकसान ना हो, जी लेकिन जो एमबीसी है उसका नुकसान जरूर हो जाएगा। आपको बनाना होगा, उसको सत्ता में जी भागीदारी देनी होगी, प्रत्यक्ष भागीदारी। प्रत्यक्ष भागीदारी का मतलब है कि आप उप मुख्यमंत्री बनाइए और जी मंत्री बनाइए और टिकट बंटवारे के समय उसको आबादी के अनुपात में टिकट दीजिए। मुस्लिम का क्या है कि वो एक बीजेपी को हराने के लिए, उनको वोट करने का एक ट्रेंड रहता है, बीजेपी को हराने के लिए वो वोट करेंगे। तो अभी उप मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाए, कुछ भी नहीं बनाया जाए, तब भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसी पॉलिटिक्स अभी हो गई है कि उनको एक बेचारा बना दिया गया इतनी बड़ी ताकत को। आप हमको ध्यान आ रहा है कि दिल्ली के चुनाव के पिछले चुनाव के समय एक वीडियो वायरल हुआ था अरविंद केजरीवाल का, वो जानबूझ करके उन्होंने ही कराया होगा, जिसमें वो अपनी पार्टी की बैठक में कह रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि भाई ये मुसलमान का 4 ही टिकट हम लोग अभी दिए हुए हैं और टिकट देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इनके लिए इतना बहुत है, यानी कहीं जाएंगे नहीं तो हम ही को वोट करेंगे, इनकी मजबूरी है तो हम 4 दें 3 दें तब भी ये हमको वोट करेंगे। तो ये जो मजबूरी है ना, ये जो उन्होंने अपनी एक पोजिशनिंग खींची है, एक पाला खींचा है, जिस पाले के एक तरफ जाकर के खड़े हो गए हैं, तो उसका नुकसान होता है, हर जाति को नुकसान होता है, तो वो नुकसान उनको भी होगा। अगर वो नहीं भी बनाया जाता है तब भी वो कम से कम अभी बीजेपी को रोकने के लिए वोट करेंगे, जो मजबूत गठबंधन होगा आरजेडी जेडीयू का होगा, वही होगा, उसको देंगे वो। और यहाँ एक बड़ी होशियारी दूसरे नीतीश कुमार ने या बिहार सरकार ने ये भी की है सर्वे में कि ओबीसी की आबादी 63% बता रहे हैं कि पिछड़ा 63% जो पिछड़ा है उसमें 26 और अत्यंत पिछड़ा 27 और 36, इसी में मुसलमान का भी पिछड़ा और अति पिछड़ा है, 36%। तो उसको अलग क्यों नहीं करके बता बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको अलग करके बताना चाहिए ना। जी जो मुस्लिम की आबादी 17% में जो आती है, अब उसमें शेख है और हाँ उन्होंने जोड़ ही लिया ना अजलाफ और हाँ, अजाल तो को, तो अजलाफ और अजाल को जोड़ लिया ना, उसी 27 और 36% में है, उसकी तो अलग आइडेंटिटी नहीं बनी ना, उसमें पिछड़ा कौन है जी? और उसका पिछड़ा किसको देगा वो? अब मान लीजिए कि उनकी आबादी अभी बता रहे हैं आप 17.7% और उसमें अगड़े हैं 5%, तो 12% तो पिछड़ा है ना, उस 63% में से 12% तो हटा लीजिए ना, फिर तो आबादी कितनी बनी, फिर तो 51% बनी ना। हिंदू पिछड़ा जिसके नेता मान लीजिए नीतीश कुमार, लालू यादव या जो भी है, तो 51% का नेता है ना। अगर मुस्लिम आइडेंटिटी सही सही बिल्कुल सही आपने पकड़ा, 12% पिछड़ा का निकाल दीजिए मुसलमान से, तो 51 जी। तो आपको लगता है कि ये जी अजीत जी, आपको लगता है कि ये इंडिया अलायंस या बिहार में महागठबंधन की सरकार 2024 के पहले इस कास्ट सर्वे के बाद किसी ईबीसी लीडर को बिहार में कोई ऐसा स्थान दे सकती है पॉलिटिकल, जिसके कारण लगे कि हाँ इस जमात को हम अपने साथ जोड़े रखें? देना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि देना अब आप पड़ेगा। दे सकते, अब वो नहीं रहा, वो बाकी आबाद बाकी जो जातियां हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है मुसलमान की तरह, उसको बीजेपी को नहीं हराना है, उसको बल्कि बीजेपी को जिताना है। तो उसके सामने बेहतर विकल्प है कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अब इसका फायदा आपको प्रदेश के स्तर पर तुरंत नीतीश कुमार और लालू यादव ये सब लोग मिल करके ये फैसला कर सकते हैं कि कोई हम लोग 1-2-3 ईबीसी लीडर्स को आगे करें, और इसके आधार पर जो अपोजिशन का अलायंस है इंडिया, उसके अंदर नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो एक बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हम ओवरऑल अति पिछड़ों के नेता हैं, तो क्यों नहीं हमको आगे करता है अपोजिशन का अलायंस, अपोजिशन के चेहरे के तौर पर। नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर हमारा चेहरा आगे होता है तो उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक पॉजिटिव मैसेज बनवा सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की काट, नरेंद्र मोदी का जो असर है उस उन जातियों के भीतर, उसको तो कम करने के लिए एक चेहरा चाहिए ना। तो वो चेहरा शरद पवार नहीं हो सकते हैं, वो चेहरा मराठा है, वो चेहरा ममता बनर्जी नहीं हो सकती है, ब्राह्मण है, वो चेहरा राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि हम जनेऊधारी कौल ब्राह्मण है, तो फिर कौन होगा? तो एक चेहरा इस कास्ट सेंसस का एक इस्तेमाल ये हो सकता है कि अभी अपने यहाँ ईबीसी का लीडरशिप आप दिखाइए, आगे करिए अपने वोट के लिहाज से, और जो अलायंस की बैठक में जब आप बैठिए तो वहां ये बताइए कि ये कंपलसरी हो जाएगा, चूंकि हर स्टेट में जहां जहां गिनती होगी वहां अति पिछड़ा की आबादी बहुत मिलेगी, या पिछड़ा आबादी हर जगह पिछड़ी आबादी 45% से ज्यादा होगी,
जो एक अपुष्ट खबर ये बता रही है कि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू पिछड़ा 45% है, तो हिंदू पिछड़ा तो कहीं भी 45% से कम नहीं होगा। अगर बिहार में 51% है तो कहीं 45% होगा, 46%, 50% इसके बीच होगा, तो उसका नेता कौन है अपोजिशन के अलायंस में? बिल्कुल जी 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 जी। तो अंतिम सवाल पर चलते हैं अजीत जी, कि देखिए अब हम यदि इस रूप में देखें कि लालू यादव नहीं नीतीश कुमार की अंतिम पारी, तो जो अभी नेतृत्व तो है, यदि आप सम्राट चौधरी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें और मुकेश सहनी की बात करें, तो आगे आने वाले दिनों में इन्हीं का भविष्य दिख रहा है और इन्हीं में प्रतियोगिता भी दिख रही है। सम्राट चौधरी तो बीजेपी के साथ ही है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है, तो अब जैसे दलितों की आबादी दिखाई पड़ी है, तो चिराग पासवान की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई और मुकेश सहनी की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, मल्लाहों की और जो अति पिछड़ों की आबादी तो दिखाई। ये क्या है, अभी अभी थोड़े दिन पहले हमने इसका एक वीडियो देखा निषाद पार्टी के प्रदर्शन का, और उनका क्या नारा था, क्या नारा था ज्ञानेश्वर जी? उनका नारा था कि आरक्षण से लेंगे डीएमएसपी, वोट से लेंगे सीएमपीएम। तो वो नारा लगा रहे थे कि वोट से लेंगे सीएमपीएम, आरक्षण से लेंगे डीएमएसपी। अब ये स्थिति, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ये सेंसस के आंकड़े आने के बाद। अब उनकी महत्वाकांक्षा मुकेश सहनी की जो जाति है, अगर वो कास्ट आइडेंटिटी को और उभार देते हैं, उनकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ा देते हैं, तो वहां सीएम से कम में कोई समझौता नहीं होगा। 10% आबादी है, 3% से कम आबादी नीतीश कुमार की है, उनकी जाति की है, कुर्मी जाति की, और वो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है, 9 महीने का जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दीजिए, तो ये 14% की आबादी है यादव की, और आप देखें 90 से 2005 तक यादव मुख्यमंत्री रहे, तो अब पिछले 33 साल से दो ही जातियों के मुख्यमंत्री हैं। तो 10% की आबादी वाला जो एसर्ट करेगा पावर में हिस्सेदारी मांगेगा, वो मुख्यमंत्री के लिए मांगेगा, और उसको उसकी आबादी के अनुपात में आपको देना होगा। इस लिहाज से अभी जो सबसे बेटर फुटिंग पर है इस समय, वो मुकेश सहनी है। उन्होंने समय से पहले शुरू किया था, और दूसरा कोई अति पिछड़ा नेता नहीं, किसी दूसरी जाति का अति पिछड़ा नेता आप बताइए किसी पार्टी के अंदर भी, या ऐसे स्वतंत्र रूप से पार्टी बना करके अपनी राजनीति करने वाला, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया ना, उत्तर प्रदेश में निषाद के साथ साथ राजभर की भी पार्टी हो गई, तो वैसा यहां नहीं हुआ है, दक्षिण के राज्यों में पहले से हो गई। नहीं, एक पार्टी और दिखाई पड़ रही है छोटे स्तर पर, आम जनता पार्टी, चंद्रवंशी की पार्टी है, विद्यापति चंद्रवंशी लीड कर रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो प्रतियोगिता दिख रही है, भविष्य की जो प्रतियोगिता है, वह सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव तो है ही, तो ये अब इस प्रतियोगिता में कौन आगे निकलता है, ईबीसी राजनीति में कौन सा नेतृत्व सबसे मजबूत बन पाता है, और नीतीश कुमार इस वोट बैंक को साधने के लिए क्या करते हैं, देखने की बात होगी। ऐसी चर्चाओं पर हम आगे भी बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, यह भी देखने की बात होगी कि वो जो अन्य पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं, अभी तक उनका प्रयास ये था कि वो जो अपने साथ प्लस करना चाहते थे तो कुशवाहा प्लस करना चाहते थे या फॉरवर्ड प्लस करना चाहते थे, कि फॉरवर्ड जुड़े, इसकी कोशिश कर रहे थे कि राजपूत जुड़ जाए, ब्राह्मण भूमिहार जुड़ जाए, अति पिछड़ा जुड़े, इसका कोई गंभीर प्रयास उधर से नहीं हुआ है। तो यह भी देखना होगा कि जो सबसे बड़ी पिछड़ी जाति, पिछड़ी आबादी वाली जो जाति है, वो उसका नेता क्या एफर्ट करता है अन्य पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए, वो क्या वादे करता है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे आपको, या हमारी सरकार आएगी तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई तो ऐसा वादा कर सकता है। तो ये हर पार्टी अब उस 36% वोट के लिए, 36% में से जो भी 6% हटा दीजिए, मान लीजिए मुसलमान का पिछड़ा, तो बाकी के लिए क्या करते हैं लोग? मुसलमान का अति पिछड़ा भी तो होगा ही 6% ना, 6-7% होगा, तो बाकी हिंदू अति पिछड़ों के लिए कौन पार्टी क्या वादा करती है, क्या उपाय करती है, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। चलिए, तो आज की बातचीत को हम यही खत्म करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और हमारे दर्शकों को अच्छा भी लगा होगा, राजनीति को समझे होंगे, सियासत को समझे होंगे, आगे भी ऐसी चर्चाओं में हम बने रहेंगे। तो हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जरूर कर लें, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।